यो है जीटर HMT का, यू 2511 UP 20 नंबर। ये हमारे अतुल भैया हैं, इनका ट्रैक्टर है वो। तो भाई साहब कौन से सन में लिया था वो? सन 78 मॉडल है, 1 जनवरी 78 मॉडल। तो ताऊ जी के हाथ का होगा। हाँ जी। अच्छा तो मुझे जो जो खासियत बता रहे थे इसमें, वो खासियत बताओ, और ट्रैक्टर से कैसा लगा उस टाइम की, वो एडवांस इतना टेक्नोलॉजी कैसे थी, क्या क्या उसमें था ऐसा? इसमें पहले तो स्टार्टिंग का ही है इंजन। अच्छा। इंजन का जो है DI है पहले से ही हो। अच्छा। हाँ, कितना भी कोल्ड हो, कोल्ड में स्टार्टिंग जो है पहले सेल पे होता। चलो बढ़िया। जैसा आप बता रहे थे यो HMT सरकारी कंपनी थी। हाँ जी, HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स। मशीन टूल्स। हाँ, तो यो टाइप किसके साथ था? ये जीटर के, जीटर के साथ था। ये था जीटर कहाँ की कंपनी? ये जीटर है चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया देश है। हाँ जी। ये और लग रही प्लेट। हाँ जी, इस प्लेट पे सारी डिटेल है जी, है नी जी। अच्छा, जो जो मेन सबसे जो मुझे इसकी खासियत लग रही थी अभी तुम बता रहे थे, वो यो है जी। यो ब्रेक का जो सिस्टम है वो जी, यो कैसे कैसे है जी बताओ? डिस्ट्रीब्यूटर है इसका, लेफ्ट अगर राइट साइड करना है तो पैडल लगाओगे तो राइट साइड को। सबसे बड़े मजे की बात, सिंगल पैडल में है वो। सिंगल पैडल में और डिस्ट्रीब्यूटर से कंट्रोल है, और लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट का ब्रेक लगेगा, ब्रेक लगेगा टर्न करने के लिए। मतलब ट्रैक्टर एक तरीके से रोकना पड़ेगा, एक हाथ से इसका दबाना पड़ेगा। हाँ, लीवर ये वाला। हाँ, जिधर को मोड़ना वो वहीं जाम हो जाएगा। हाँ, हाँ, वो उधर कोई घूम जाएगा। हाँ, और एक सिंगल पैडल है, वही ब्रेक लगाओ, वो ब्रेक लगाओ, उसे छोड़ दो और इसे लगा दो, तो एक बार में दोनों पहिए जाम। दोनों पहिए जाम। और प्रेशर, इसके जो ब्रेक हैं ये हैंड ब्रेक, ये इन प्रेशर वालों से अलग होते हैं। किसी वजह से ये ब्रेक काम ना करें तो ये वाला ब्रेक अलग है, सेपरेट है, ये इंडिपेंडेंट है। ये तो सबसे बड़ी बात है भाई, मतलब किसी भी ट्रैक्टर में डबल ब्रेक का सिस्टम कभी आया ही नहीं इसमें ही है। मतलब साध्य ब्रेक भी है, हैंड ब्रेक साध्य में है, और ऑल प्रेशर ब्रेक भी है। सरकारी कंपनी, पैसे ना कह देते, सरकारी सरकारी हो। जी जी जी। अच्छा जी। और ऑटोमेट हाइड्रोलिक और ऑटोमेटिक करने का सिस्टम ये है। अच्छा। हाँ। मतलब आगे वो कर देंगे तो ऑटोमेटिक। अच्छा। नॉर्मल चलानी है, पोजीशन कंट्रोल पे लेनी है तो यहाँ आ जाएगी इसमें। अच्छा। EM और मीडियम पे, यानी मीडियम रखनी है। मतलब टीयर कहीं जाम हो जाता है तो अपने आप उठाएगा, सेंसिंग करेगा। हाँ, सेंसिटिव है। और उस चीज का भी एक मतलब अलग से लीवर दे रखा, लीवर। और बीच में है मिक्स कंट्रोल, PMS। यहाँ वो चलती है ऑटो। हाँ, ये PMS लिखा हुआ है इसके ऊपर। हाँ, यहाँ पोजीशन कंट्रोल है, ये देखो PMS लिखा हुआ है। हाँ जी। हाँ, सीट भी कहते कि झटके ना लगे करते चीटर पे। हाँ जी। हाँ, सीट भी बढ़िया वाली है। हाँ, स्पेशल है जी। खासियत तो बहुत है इसमें। और इसकी पुली जो चलती है, गियरों से भी चलती है और नॉर्मल भी चलती है। पुली में भी ऐसा, मतलब ट्रैक्टर के साथ साथ गियर में भी चलेगी। और हाँ, न्यूट्रल करके और जो हाई के गियर हैं उनमें चलाओगे तो भी पुली चलेगी। तो यानी चक्करों को एडजस्ट करने की, पुली बदलने की जरूरत नहीं है। अच्छा। तो फिर तो जैसे आजकल ट्रैक्टर में 50 हॉर्स पावर मारी है चीजें। हाँ हाँ हाँ। जैसे पहले गियर में चलानी, मान लिया मूव करानी, तो पहला गियर लगाओ, अगले मतलब ट्रैक्टर को न्यूट्रल कर दो। सन 78 में कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी इनकी। हाँ जी। हाँ, ये बात तो खैर माननी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज, हाँ एक चीज़ और बताओ भाई साहब, तुम बता रहे थे कि इसमें कि सिस्टम यहाँ दिया हुआ था, क्या सिस्टम होता है यहाँ? ये होता है एयर का कंप्रेसर लग जाता है, इससे जो टायरों में हवा भी डाल सकते हैं और इसकी जो है क्लीनिंग भी कर सकते हैं एयर से। मतलब यहाँ छोटा सा इसका सेटिंग बनी बनाई आती है। हाँ, इतना कंप्रेसर आता है, बस ये 4 बोल्ट खोल के और ये यहाँ कंप्रेसर लग जाता है और काम खत्म। अपना वो हवा मारने का काम भी करेगा, भरने का काम भी करेगा। जी जी, हवा भरने का। ये टेक्नोलॉजी है डबल क्लच। डबल क्लच थी उस समय। हाँ, डबल, अब भी डबल क्लच है जैसे। अच्छा जी। हाँ जी। हाँ, जैसे इसका सिस्टम ये है, जैसे हमने क्लच दबा रखी। हाँ। और लीवर ऊपर कर देंगे हाइड्रोलिक का तो उठेगी नहीं, पहले हाइड्रोलिक उठेगी तब। हाँ। आगे को चलेगा, मतलब हमने गियर में भी डाल रखा। हाँ। और लीवर भी ऊपर है हाइड्रोलिक का। हाँ। तो हाइड्रोलिक नीचे पड़ी है, मतलब डाउन में है। हाँ। तो पहले हाइड्रोलिक उठेगी तब चलेगा आगे को, ये नहीं है कि ऐसी चलेगा। ओहो। हाँ, डबल क्लच है इसमें, मतलब क्लच भी है लेकिन सिस्टम एडवांस कितना है। हाँ, आजकल ट्रैक्टर तो मान लो लीवर उठाओ मत उठाओ ट्रैक्टर चल पड़ेगा। हाँ, अगर बिल्कुल ट्रैक्टर चल पड़ेगा।
भैया ये सिर्फ सरकारी कंपनी होने की वजह से पीछे रह गया, अपडेशन नहीं हो पाया। हाँ, उसके मार्केटिंग जो मैनेजर थे उनकी वजह से सिस्टम खराब हो गया, टाइप भी खत्म हो गया। मतलब जीटर का और एचएमटी का जो टाइप था बढ़िया था, लेकिन इनकी जो मार्केटिंग मैनेजर थे उनकी वजह से डिस्टर्ब हो गया सारा, वरना कंपनी आज नंबर वन थी। बिल्कुल, जो जो चीज आपने इसमें बताई है ना जी, ये तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है सारी, आज के टाइम के हिसाब से भी, आज के टाइम के हिसाब से जो आज जो चीज बता रहे हो कि हेडोली उठेगी तब आगे बढ़ेगा गियर में भी। हाँ, और आज के ट्रैक्टर तो चोट मार देंगे, है ही नहीं सिस्टम यो भाई। हाँ, वही तो, पहले हेडोली उठेगी तब चलेगा, तब चलेगा। बताओ किसान भाइयों, कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रैक्टर में निकली, मुझे जानकारी नहीं थी इतनी जितनी भाई साहब ने दी। और डीआई है पहले से ही डीआई है, जबकि ट्रैक्टर बाद में आए डीआई। डीआई तो बहुत बाद में आए। हाँ, ये सन 78 से ही डीआई है, मतलब पहले साल पे ही, कितनी भी कोल्ड हो। ओहो, हाँ, स्टार्टिंग के मामले में तो जीटर पहले से मानना जा, लेकिन आपने मेंटेन कर रखा बढ़िया ट्रैक्टर, यो चलता भी देखा मैंने। खैर जी, तो कितने घंटे चला दिया भाई साहब आपने यो? ये तो घंटों में तो मीटर चालू है इसका। हाँ, मीटर चालू है। अच्छा, तो मीटर भी दिखाऊं, देखो इसका। हाँ, मीटर इसका उल्टा है भाई साहब, पहले से ही इसमें मीटर मल्टी हैं, हाई स्पीड के सब हैं, स्मार्ट वैसा ही है, स्मार्ट मीटर है पहले से ही। हाँ हाँ, तो सन 78 में कितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी थी जी। कंपनी का नाम मुझे बार बार याद नहीं आता, इसका क्या नाम था? जीटर। स्लोवाकिया की, चेकोस्लोवाकिया कोई देश है, अफ्रीकन देश है, देश है चेकोस्लोवाकिया, नेट पर देखियो। अच्छा, यूएस का होगा, यूएस का होगा उस समय, तो अफ्रीका में कहा होगा, यूरोप के देश है, यूरोप या यूएस के देश। तो ये जाली जाली सी दे रखी है, इसके नीचे क्या है? ये इसके जो ड्रम होते हैं, ब्रेक होते हैं यहाँ। अच्छा, तो ब्रेकों को मेंटेनेंस करने के लिए, और जो एयर होती है, मतलब हीटअप वगैरह होता है, तो उसके लिए है। इसमें तेल कितना आता होगा भाई साहब? तेल इसमें सीएल आता है जी 18 लीटर बस। हाँ, तो खर्चा भी कम है, खर्चा कम है 18 लीटर में, और गियर बक्से का और आगे तक एक ही तेल है, अलग अलग नहीं है, जैसे गियर बक्से में और हाइड्रोलिक का एक ही तेल चलता। और पंप जो है इसका, सबसे बड़ी खासियत है इसका जो पंप होता है, हाइड्रोलिक पंप, ऑयल में डाउन रहता, हमेशा ऑयल में डूब रहा है। हाँ, सबसे नीचे की साइड में पंप लगा हुआ। बताओ ये टेक्नोलॉजी आज जो बता मैं कि हमने नई नई लाई, तो सारी चीज पहले से इसमें है। वही तो, वो भी सन 78 में। जी जी जी, केवल ये जो है इनके मार्केटिंग मैनेजरों की वजह से मार्केटिंग है, वरना ट्रैक्टर जो है आज भी है किसानों का जो है, मतलब एक तरह से फेवरेट है किसानों का। इकोनॉमी बहुत है, 2.5 लीटर से ऊपर तेल नहीं जाता, कितना ही लोड डाल लो टीलर पे। हाँ, टीलर पे, और 7-8 बीघे जमीन जो निकालता है एक घंटे में। तो ये कितने गियरों में है जी? ये 5 गियर में है, 5 गियर हाई और एक रिवर्स, यानी 6 गियर हैं इसमें, और 6 लो के 6 हाई के, 12 गियर है भाई साहब। यकीन मानियो, मेरे पास तो कुवोटा है। हाँ, जो आपने चीज बताई ना, ये सहरी है इसमें। हाँ जी है, और हाँ, वो आज की डेट का जॉन डियर होए, कुवोटा होए, ये सब नई नई जनरेशन के ट्रैक्टर हैं। पीटीओ जो चलती है वो हाई स्पीड गियरों से चलती है, सबसे बड़ी खासियत तो ये है। अच्छा, अगर आपको चक्कर कहीं मैच नहीं हो रहे तो गियर से चेक मैच कराओ, पानी पे जो है बहुत हल्की स्पीड में पानी, 5 गियर में चलाओ, 5 गियर में गियरों से चलाओ। अब जैसे अब नया BST के साथ इनका टाई अप हुआ है जी, तो उसमें भी ये सारी चीजें देंगे ये लोग? हाँ जी, बिल्कुल देंगे। लेकिन वो BST एक भारत की कंपनी है, लोकल कंपनी है। हाँ, उसे टाई अप वो इतनी टेक्नोलॉजी शायद ना दे पाए, लेकिन जीटर अपना मेंटेन करेगी। ऐसी जीटर के पास अगर पुराने बंदे तो होंगे नहीं, नए नए एम्प्लॉय आ गए होंगे, नए इंजीनियर आ गए होंगे। हाँ, बट ये टेक्नोलॉजी अगर लगातार भारत में चलती भाई साहब, तो मैं यकीन मान रहा हूँ अलग ही क्रांति होती। तो ये जीटर नंबर वन बना हुआ था, उसके बाद तो फिर और जो इनके मार्केटिंग की वजह से सिस्टम डाउन हो गया। जो जो खासियत इसमें है, वो आज के ट्रैक्टर में 8-10 लाख रुपए ट्रैक्टर आ रहे हैं, 8-8 लाख के, 9-9 लाख के, उसमें मिल रही है ये चीजें जी। डबल PTO उसमें मिल रही है। हाँ, डबल PTO और डबल क्लच। डबल क्लच बताओ, डबल क्लच है इसमें जो उस जमाने में दे दी जी। तो देखो किसान भाइयों, कितनी बढ़िया जानकारी मिली आज इस ट्रैक्टर की, क्या क्या इसमें खासियत थी, बहुत छोटे और संक्षिप्त वर्णन करा भाई साहब ने। कुछ और चीज़ नहीं मिलेगी आपको, जानकारी देंगे। वीडियो को देख
पूरा देखना, बहुत बढ़िया शानदार वीडियो है। लोग पहले सेल्फ में स्टार्ट, और आवाज़ भी मेरे ख्याल से आज भी वैसी आवाज़ लग रही, क्योंकि तो हमने पहले बचपन में चलता हुआ देखा खूब। देखो हाइड्रोलिक वाला जो सिस्टम है वो दिखा रहे हैं भाई साहब, जब तक उठेगी नहीं आगे वो चलेगा नहीं, भले गियर ओरिजिनल हॉर्न है। अच्छा जी, इसकी तो आवाज ही अलग है। अच्छा वो वाला काम करके दिखाओ कि जब चलेगा, जब जब क्लिच छोड़ोगे। हाँ अच्छा, लीवर ऊपर कर दिया आपने, अब ये देखो क्लिच छोड़ेंगे, देखो क्लिच छोड़ेंगे और पहले ये उठेगी हाइड्रोली, तब जैक आके बढ़ेगा। यो टेक्नोलॉजी तो आज भी ना दे रहा कोई। पहले हाइड्रोली उठेगी तब चलेगा, बहुत बढ़िया सिस्टम है ये तो। देखो क्लिच पे पैर रखा था भाई साहब का, जैसे क्लिच छोड़ी एकदम हाइड्रोली उठी, तब ट्रैक्टर आगे बढ़ा। अब देखो लीवर भी पूरा ऊपर कर दिया, जैसे क्लिच, हाँ देखो भाई साहब क्लिच छोड़ेंगे और पहले पिलर अपने आप उठेगा और हाथ दोनों आगे हैं। देखो देखते कितनी शानदार टेक्नोलॉजी है भाई। भाई साहब 10 लाख छोड़ो, 20 लाख के ट्रैक्टर में भी ना रही हो चीज़ तो आज बताओ, इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है भाई। वो भाई हम तो आजकल की कंपनी को मान रहे थे, आजकल की कंपनी तो कुछ भी नहीं इसके सामने टेक्नोलॉजी के मामले में। ये तो बहुत बढ़िया सिस्टम है इसका। बस समझ गया मैंने, वही दिखाया तुमने, जैसे पैर छोड़ा टीलर अपने आप उठ गया। और हाँ क्लिच दाबने से दाब, अभी क्लिच छोड़ोगे तब उठेगी, पहले हाइड्रोलिक उठेगी और तब आगे चलेगा। देखो कितने बढ़िया था, बहुत शानदार फीचर लगा मुझे तो भाई। हो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसे ही एंटिक चीज़ें लेके आऊँगा आपके लिए। धन्यवाद, नमस्कार।